हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी लिपस्टिक कलेक्शन। मेरे पास जो भी मुझे लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस वीडियो को एक नेचुरल लाइट में जो है वो शूट कर रही हूँ, ताकि जो भी इनका नेचुरल कलर है वो आप सब देख पाओ। और इनकेस अगर आपको कोई भी लिपस्टिक जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, उनके कलर जो है अगर आपको अच्छी लगे, शेड अच्छी लगे, तो मैं परचेज लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। और आप उस परचेज लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके लिपस्टिक को बाय कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लिपस्टिक है वो है ये है रेवलॉन की लिपस्टिक। ये एक क्रीम लिपस्टिक है। इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी टेक्सचर है। उसका शेड नंबर है 302 चॉकलेट वेलवेट। तो मैं इसका आपको स्वैच करके दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा कलर है, एवरीडे गोइंग कलर है। ब्राउन न्यूड शेड है। जब आप इसको अपने लिप्स पे अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और मैं इस कलर को बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। लिपस्टिक जो है वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक, और इसके ऊपर लिखा हुआ है मैट, बट ये क्रीमी टेक्सचर वाली लिपस्टिक है। और इसका शेड नंबर जो है वो है ये मॉव फिक्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर शेड नंबर लिखा हुआ है इसका। तो ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप देख सकते हो मैंने ये कलर जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अभी इसको लिए हुए मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसका स्वाच दिखाती हूँ आपको। बहुत सुंदर शेड है, आप देख सकते हो पिंक कलर, पिंक मॉविश कलर है ये। इसका प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। अभी मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है कि इसका प्राइस क्या था। तो ये वाली जो है ये मेरी सेकंड लिपस्टिक है। जो थर्ड लिपस्टिक है वो मैंने लेटेस्ट अभी ली हुई, तो अभी लिए हुए 3-4 दिन हुए हैं, और मुझे ये लिप कलर बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसका शेड नंबर जो है वो है चिली न्यूड MNU09। ये मैबलिन की द क्रीमी मैट लिपस्टिक में से है। और इसका मैं आपको कलर दिखाती हूँ। थोड़ा रस्टी सा कलर है, और रस्ट कलर जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बहुत दिनों से इस कलर के लिपस्टिक ढूंढ रही थी, तो एट लास्ट मुझे ये लिपस्टिक जो है वो मिल गई, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। और ये वाली लिपस्टिक जो है, ये जो यहाँ पे जितनी भी सारी लिपस्टिक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक है। ये सिर्फ 299 रुपीज़ की है, और लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ऐसा लगता नहीं है कि लिप्स पे कुछ अप्लाई किया हुआ है। इसका टेक्स्चर क्रीमी है। तो ये लिपस्टिक जो है ये थोड़ा सा ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल हल्का सा ट्रांसफ़र होगी, बट थोड़ी थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल मैट हो जाती है और आपके लिप्स पे काफ़ी टाइम तक टिकी रहती है। और सिर्फ 299 रुपीज़ जो है वो इसका प्राइस है। तो 299 रुपीज़ में ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने आपको ये जो दो लिपस्टिक दिखाई ये भी ट्रांसफ़र होती हैं, दोनों क्रीम लिपस्टिक हैं, तो ट्रांसफ़र तो होंगी ही, थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र होती हैं, बट हाँ ये आपके लिप्स पे साथ ही साथ टिकी रहेंगी। ज़्यादा टाइम तक तो नहीं टिकेंगी, बट हाँ थोड़ी टाइम के लिए तो चल पड़ती हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मैट मूज लिप एंड चीक कलर लिप्स। एक न्यूड शेड है ये, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल न्यूड कलर जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, न्यूड कलर की शेड्स जो हैं। तो ये इसका शेड नंबर है ब्लश वेलवेट, और ये बहुत ही प्यारा सा न्यूड शेड है। तो ये जो लिपस्टिक है ये मैट लिपस्टिक है, अभी तो ये ड्राई नहीं हुई है तो ये ट्रांसफ़र हो रही है, बट आप ये थोड़े टाइम के बाद ड्राई हो जाएगी आपके लिप्स के ऊपर, और ये कहीं नहीं जाती है आपके लिप्स पर से। ईज़ली 5 to 6 आवर्स तक टिकेगी ये लिपस्टिक, और साथ ही साथ ये चिक कलर भी है, तो आप इसी लिपस्टिक को एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हो अपने चिक्स के ऊपर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो अगेन लैक्मे 9 to 5 की तरफ से है ये। तो इसका जो शेड नेम है वो है फ्यूशिया स्वेड। तो ये जो है ये एक फ्यूशिया पिंक कलर है, और बहुत ही प्यारा सा कलर है। तो अगर आप पिंक कलर लवर हो तो आपको ये शेड जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। मुझे पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है। आप इसको एज अ लिप कलर वेयर कर सकते हो, एज अ चीक कलर वेयर कर सकते हो,
अगर आपको ज़्यादा ही पिंक लग रहा है, ज़्यादा ब्राइट लग रहा है कलर, तो आपको आप इसको मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो। कोई भी दो शेड जो है वो उनको मिक्स कर लो और फिर उसको अप्लाई कर लो। तो अगर आपको लिपस्टिक की फ्रेग्रेंस जो है वो बॉदर करती है, तो ये वाली शेड जो है इनमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस है, तो हो सकता है ये आपको अच्छी ना लगे। बाकी जो मैंने आपको शेड्स लिपस्टिक्स बताई, ये वाली तीन शेड जो हैं इनमें बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है। इस वाली में थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी माइल्ड सी है, बट वो आपको बॉदर नहीं करेगी। और इस वाली में, मेबलिन वाली में और रेवलॉन वाली में बिल्कुल भी जो है वो फ्रेग्रेंस नहीं है। इन दो जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लिपस्टिक है। ये एक ब्राउन टोन न्यूड कलर लिपस्टिक है। ये नायका की जो लेटेस्ट न्यू लॉन्च लिपस्टिक थी अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, उन उसकी कलेक्शन में से है। और इसका जो शेड नंबर है वो है 11 जेन। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड ब्राउन कलर है। ये एक मैट लिपस्टिक है और इसका स्वाच मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ इसके ट्रांसफ़र होने की, तो आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का सा ट्रांसफ़र हो रही है ये। और इसकी स्टेइंग पावर बहुत ज़्यादा है, 6 to 7 hours तक ये आराम से चल पड़ेगी। मैं इसको अप्लाई करके बाहर गई थी डिनर पे, तो शॉपिंग भी की हमने, उसके बाद हमने डिनर किया, तो ये बिल्कुल हल्की सी आपके लिप्स के अंदर से थोड़ा हल्की सी जाएगी, बाकी ये वैसे की वैसी रही और बिल्कुल भी जैसे आपके लिप्स के ऊपर ड्राई नहीं लगती है। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत टाइम तक टिकी रहती है आपके लिप्स के ऊपर, तो ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। सो नेक्स्ट जो है वो अगेन नायका की तरफ से है और ये उनकी नायका की सो मैट लिपस्टिक कलेक्शन में से है। तो ये नायका की लिपस्टिक जो है वो इस तरह की, इनकी पैकेजिंग जो है मैग्नेटिक पैकेजिंग है, तो ये इस तरह से बहुत स्मूथली जो है वो बंद हो जाती हैं और ट्रैवल फ्रेंडली भी लगती हैं कि अगर आपने बैग में इसको डाल दिया है तो ईजिली ये ओपन नहीं होगी। तो नेक्स्ट लिपस्टिक की बात करते हैं, तो ये एक रेड कलर का शेड है, तो इसका शेड नंबर जो है वो है 29M स्कारलेट सैरन। तो ये इस तरह का रेड कलर का लिपस्टिक है, इसका स्वाच मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है इसका स्वाच, ये एक ऑरेंजिश रेड कलर लगता है मुझे। बट इसकी जो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो ये कि जैसे आप देख रहे हो कि मेरे जो स्किन पे है ये बहुत अच्छी तरह से, मतलब मेरे आर्म पे ये बहुत अच्छी शेड दे रहा है रेड कलर, पर लिप्स पे ये उतना ज़्यादा इसका कलर पे ऑफ नहीं जाता है। लिपस्टिक जो है वो है ये लैक्मे एब्सोल्यूट की लिप पाउट मैट लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है। और मैंने आप देख सकते हो उसको कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, फिर भी ये ख़त्म ही नहीं हो रही। इसको लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 1.5 से 2 साल होने वाला है आई थिंक। तो ये लिपस्टिक भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक है। तो इसका मैं आपको स्वाच दिखाती हूँ। किसी भी लाइट कलर के सूट के साथ ईजली जाएगा, वाइट कलर के साथ जाता है, ब्लैक कलर के साथ जाता है, तो ये लिप शेड भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसकी भी स्टेइंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी सी तो ट्रांसफ़र करेगी क्योंकि क्रीम लिपस्टिक है, तो थोड़ी सी ट्रांसफ़र करेगी, बट अदरवाइज़ इसका जो स्टेइंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो नेक्स्ट जो है वो लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक है अगेन, जो उनकी लिपस्टिक आई थी मसाबा लिप्स कलेक्शन में से, ये वहाँ से है। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट लिप पाउट मैट लिपस्टिक, इसका जो शेड नंबर है वो है हॉट चॉकलेट, और क्वांटिटी जो है वो है 3.7 ग्राम, और इसका प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक चॉकलेट शेड है, चॉकलेट कांड ब्राउन शेड है। जो लास्ट लिपस्टिक जो है, जो कि मेरी करंट फेवरेट लिपस्टिक है, मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है रेड कलर में, वो है ये शाई स्टाइल्स की द मेकअप स्टोरी, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। बट लिक्विड लिपस्टिक है तो थोड़ा सा आपके लिप्स को ड्राई करेगी, बट अगर आप लिप बाम अप्लाई करोगे लिपस्टिक लगाने से पहले,
तो ये बिल्कुल भी आपके लिप्स को ड्राई नहीं लगेगी। और इसका फॉर्मूला अमेजिंग, किसी भी हाई एंड ब्रांड को टक्कर दे सकती है ये लिपस्टिक, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसका प्राइस जस्ट 299 रुपीज़ है, मतलब कि 300 रुपीज़ में आपको एक लिक्विड लिपस्टिक मिल रही है और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है लिपस्टिक का। तो शाई स्टाइल्स की लिपस्टिक को कौन नहीं जानता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने कि अपनी ब्रांड जो है वो ओपन करी है। उन्होंने अभी अपने ब्रांड में सिर्फ 6 लिपस्टिक शेड्स जो हैं वो उन्होंने निकाली हैं, जिसमें से मेरे पास है शेड नंबर 303 ओ हिरोइन। इसकी 5 शेड्स और भी हैं जो कि मैं, तो बिल्कुल रेड कलर जो कि एक ब्राइड वाला रेड कलर होता है वो वाला कलर है, और मुझे ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला कलर। मैंने इसके साथ बहुत ब्राइडल मेकअप भी किए हैं, मैंने ब्राइडल मेकअप की जो भी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर उसमें मैं ये वाला कलर जो है वो ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये है मेरी लिपस्टिक कलेक्शन का पार्ट 1। होप आपको सारे कलर अच्छे लगे हों, लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। आपको मेरी लिप कलेक्शन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी लिपस्टिक में से कौन सी सबसे ज़्यादा सुंदर शेड लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।